ओके हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अस्मत है और आप सबका आफरीन अस्मत यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल बेटा, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो एक बार ऑडियो और वीडियो की कंफर्मेशन दे दो कि आवाज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। किसी को आवाज़ वगैरह में किसी भी तरीके का कोई इशू है तो बताओ। हेलो हेलो ऋतिक, हेलो दिव्या, हेलो एवरीवन, आलम अंसारी, वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? सबसे पहले एक बार जल्दी से ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन दे दो कि आवाज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आवाज़ वगैरह में अगर किसी को ज़रा सा भी कोई इशू है तो बता दो। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग आलम अंसारी, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई कंफर्म करने के लिए, सब कुछ सही है, थैंक यू सो मच। अरे भाई, आते ही सबसे पहला क्वेश्चन, मैम करियर विल छोड़ दिया क्या? हाँ जी बेटा, फिलहाल मेरा करियर विल में कोई भी बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे ही स्टार्ट होगा बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं अन अकेडमी में पढ़ा रही हूँ, फिलहाल करियर विल में नहीं पढ़ा रही हूँ, अन अकेडमी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओके गुड इवनिंग बेटा, एवरीवन गुड इवनिंग। चलो तो आज के क्लास बेटा किस चीज के ऊपर बेस्ड है? आज के क्लास आप सबकी बेस्ड है पीरियोडिक टेबल के क्विज के ऊपर। जैसा कि मैंने तुम सबसे कहा था कि मैं आप सबकी क्लासेस लूंगी अब हर सैटरडे और संडे, ठीक है। आपके हर सैटरडे और संडे में क्लासेस लेने वाली हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। तो 9 PM टाइमिंग रहेगा या 10 PM टाइमिंग रहेगा, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, वैसे सैटरडे संडे ये फिक्स है, ठीक है। फिर अभी तक जल्दी से अगर आपने वीडियो शेयर नहीं करी है तो जल्दी से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में ये वीडियो शेयर करिए ताकि हमसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम MCQ करने वाले हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आपको उसका आंसर करना है। और पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन जरूर से पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने क्या है, ध्यान से देखिएगा। केमिकल्स इन सेम डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। चार ऑप्शन है, पीरियड, ग्रुप, सीरीज और ब्लॉक। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। अगर केमिकल्स की बात करते हैं तो केमिकल्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम पीरियड में होते हैं, सेम ग्रुप में होते हैं, सेम सीरीज में होते हैं या सेम ब्लॉक में होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में बेटा 18 होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स हमेशा वर्टिकल लाइंस होती हैं, यानी जो भी हमारे वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस 18 वर्टिकल लाइंस हैं, उन्हें हम कहते हैं 18 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं तो 7 होते हैं पीरियड्स। पीरियड्स बेटा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए क्या होंगे, पीरियड। तो 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। भाई यहाँ पर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो इन अ पीरियोडिक टेबल दो सीरीज होती हैं बेटा, एक को हम कहते हैं लैंथेनाइट, ठीक है, और एक को हम कहते हैं एक्टिनाइट। तो ये आपके लिए क्या है, दो सीरीज होती हैं। और साथ साथ अगर हम ब्लॉक्स की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं और चारों का नाम क्या है, SPDF। 4 ब्लॉक्स हैं, 2 सीरीज हैं, उसके साथ साथ 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो मैंने पूछा अगर किसी में केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, कोई भी केमिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो वो ग्रुप में है, पीरियड्स में पाए जाएंगे, सीरीज में या ब्लॉक्स में पाए जाएंगे। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो उसका सही आंसर है बी, यानी केमिकल इन सेम ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। डन, इतना समझ में आ गया, बढ़िया, चलिए सही बात है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड। आपको बताना है 17 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैल्कोजेंस, दूसरा ऑप्शन है पैथोजेंस, तीसरा ऑप्शन है हैलोजेंस, चौथा ऑप्शन है
कैलिप्ट्रोजेंस, इन चारों में से आपको ये बताना है कि 17 एलिमेंट्स का बेटा जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है हेलोजिन कह रहे हैं और कुछ क्या कह रहे हैं, अभी तक सब हेलोजिन ही कह रहे हैं। वैसे देखो, इस सेशन की पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ऑलरेडी मेरी ऑफिशियल आईडी से कमेंट आ रहा होगा, या फिर नीचे स्क्रॉल में देखो आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहां पर आपको इसका सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं 17 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, सी दैट इज हेलोजिन्स। हेलोजिन्स में हेलो का मींस होता है बेटा सॉल्ट। हेलो मींस सॉल्ट, और जेन मींस व्हाट? जेन मींस जनरेट, यानी ये क्या है, ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। अब इसमें क्या क्या होगा, तो बेटा इसमें होगा फ्लोरीन। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आएंगे बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ आएगा इसमें क्लोरीन, ओके, देन उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टेटिन। ठीक है, ये है आपके 17 एलिमेंट्स के ग्रुप, इन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोजिन, जो कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं। अच्छा, कैल्कोजिन्स का मतलब क्या है? अगर हम कैल्कोजिन्स की बात करते हैं तो ये 16 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है या ग्रुप 16 है उसे हम क्या कहते हैं, कैल्कोजिन्स कहते हैं। और कैल्कोजिन्स जो है वो कॉपर प्रोड्यूसिंग होते हैं। कैल्कोजिन्स बेटा क्या होते हैं, कॉपर प्रोड्यूसिंग होते हैं। पैथोजिन्स की अगर हम बात करते हैं तो पैथोजिन्स जो है वो पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं है। पैथोजिन्स जो है वो डिजीज प्रोड्यूसिंग होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, दैट इज पैथोजिन्स, जो कि पीरियोडिक टेबल पे नहीं है। अच्छा, कैलिप्ट्रोजेन जो डी लिखा है, कैलिप्ट्रोजेन ये है, ये भी टिप होती है, प्लांट रूट की टिप होती है, ये भी आपका पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं है। तो ये और ये सी बी और डी पीरियोडिक टेबल का बेटा हिस्सा नहीं है। बाकी हेलोजिन ये 17 ग्रुप्स का एलिमेंट्स हैं, और अगर कैल्कोजिन्स की बात करते हैं तो ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। डन, समझ में आ गया इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज टाइम चेंज किया है आपने? हाँ जी बेटा, आज टाइम चेंज किया, 10 बजे मैंने आपकी क्लास ली है। सैटरडे संडे सेम रहेगा, टाइमिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक आर, आपको बताना है डी ब्लॉक में आखिरकार कितने ग्रुप होते हैं या कितने ग्रुप होते हैं। चार जो हैं आप जानते हो, देर आर 4 ब्लॉक्स इन अ पीरियोडिक टेबल। चार ब्लॉक्स होते हैं एसपीडीएफ होता है। तो आपको बताना है जो डी ब्लॉक है उसमें कितने ग्रुप होते हैं, वर्टिकल वाले। ठीक है, वर्टिकल दैट इज ग्रुप। तो आपको बताना है डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं। चार ऑप्शन है, 2, 6, 10 और 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, यहाँ पर अक्षय कुमार ने 10 आंसर दिया है, जो कि सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बेटा बात करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज 10। 10 ग्रुप्स होते हैं डी ब्लॉक में। अब अगर चार ब्लॉक्स की बात करते हैं तो दो ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में हमेशा याद रखिएगा 6 ग्रुप होते हैं। 10 ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक में, जो कि आपका आंसर है। और अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप हो जाते हैं, 14 ग्रुप हो जाते हैं। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118 यानी 118 इज नेम्ड एज, जो लास्ट एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 118 यानी 118 है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। चार ऑप्शन है, मस्कोवियम, लिवरमोरियम, देन टेनिसिन और ऑर्गेनिसन। इन चारों में से बेटा आपको बताना है कि एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118 इज नोन एज, या उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए भाई। यहाँ पर राहुल कुमार ने सबसे पहला आंसर दिया, जो कि सबसे सही आंसर दिया राहुल कुमार के अलावा, फिर सारे के सारे स्टूडेंट आंसर देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बेटा बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ऑर्गेनिसन। ऑर्गेनिसन ये नाम जो है बेटा आफ्टर इन्वेंशन पढ़ा, बहुत पहले इसका नाम पड़ता था, या इसको पहले हम किस नाम से जानते थे, तो पहले इसको हम नाम जानते थे अन ऑक्टिनियम नाम से जानते थे। अन यानी 118
अनऑक्टिनियम नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन बाद में आफ्टर इन्वेंशन इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया ओगेडेसन। ठीक है, अब चार में ए बी सी भी आपके एलिमेंट के नेम ही है। मॉस्कोवियम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 115। अगर हम लिवरमोरियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 116। अगर हम टेनेसिन की बात करते हैं तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर है 117। डन, ठीक है। तो ये 115 है, ये 116 है, ये 117 है, एंड ऑर्गेनेसन ये 118 है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, आपकी बार आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट विद मैक्सिमम डेंसिटी इज, यानी वो एलिमेंट जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? टंगस्टन, गोल्ड, ऑस्मियम और यूरेनियम। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए भाई। गुड इवनिंग सूरज माथपाल, गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो चलो एलिमेंट विद मैक्सिमम डेंसिटी, वो एलिमेंट जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? टंगस्टन, गोल्ड, ऑस्मियम और यूरेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दे रहे हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, दैट इज ऑस्मियम। ऑस्मियम इज द करेक्ट आंसर। इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। और अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कभी पूछा जाए, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाए तो वो क्या है? एटॉमिक नंबर होगा इसका 76। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर मींस व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कभी पूछा जाए तो इसका कितना होगा? 76। और ये 76th एलिमेंट इसीलिए कहलाता है। अब इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, अगर ये आपको जानना है ऑस्मियम की पोजीशन क्या है, तो भाई ऑस्मियम की पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉक है इसका डी। ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप है इसका एट्थ ग्रुप है। और अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड क्या है? 6। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल की। डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बढ़िया, तो ऑस्मियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच एलिमेंट हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, चलो आंसर देना स्टार्ट करो। कौन से एलिमेंट का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आखिरकार किसका है या कौन से एलिमेंट का है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, हां जी, तो खुशबू गोस्वामी कह रही हैं बेटा हीलियम। बिल्कुल सही आंसर दिया आप सबने। तो यहाँ पर अगर हम इसके सही आंसर की बेटा बात करते हैं तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज हीलियम। हीलियम का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ओके, चलो अब हीलियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहता कितना होगा? 4 केल्विन होगा, ठीक है। ऑस्मियम का दूसरा नाम भी होता है? नहीं बेटा, किसी एलिमेंट का कोई दूसरा नाम नहीं होता, किसी भी एलिमेंट का कोई भी दूसरा नाम नहीं होता। अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो वो कितना होगा? 4 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो -269 डिग्री सेल्सियस, -269 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। डन, देखो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो -273 होता है। अगर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर की बात करें, सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर हो सकता है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इससे बस थोड़ा ही सा ज्यादा है हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और सेकंड नंबर में अगर कभी पूछा जाए जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो है हाइड्रोजन, जिसका कितना है? -253 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो ये सेकंड नंबर पर है बेटा और हीलियम ये क्या है? फर्स्ट नंबर पर है। डन, समझ में आ गया? ओके, बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, आपको बताना है वो एलिमेंट जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है।
आखिरकार वो कौन सा है? चार ऑप्शन है, आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन और मरकरी। इन चारों में से आपको बताना है एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इस आंसर देना स्टार्ट करिए। एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, चार ऑप्शन है, आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन और मरकरी। हां जी, ओके, अब यहाँ पर बिल्कुल सही, ज्यादातर स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर है बेटा सी, दैट इज टंगस्टन। इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत मुश्किल होता है मेल्ट करना, ठीक है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 3422 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और इसी का बेटा सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी है, जो कि कितना है, 5930 डिग्री सेल्सियस। ये है बॉइलिंग पॉइंट और ये क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मैम इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू की बुक बता दीजिए। सत्यन शर्मा, मेरा पोलराइजर पब्लिकेशन की मेरी बुक है, उस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अगर नहीं मिल पा रहा तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है www.afreenasmat.com। ये है मेरी वेबसाइट, आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको आराम से मेरी बुक का लिंक मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, ओके, परफेक्ट बेटा। आई एम कंप्लीट इकोनॉमिक्स बेटा इस चैनल पर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती इस चैनल पर कंप्लीट इकोनॉमिक्स। मैं इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जरूर करवाऊंगी, लेकिन कंप्लीट इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं हो सकती, वो मैं अन अकेडमी में आपको ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर नेचुरली फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1-2, यानी जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर आखिरकार कितना है? चार ऑप्शन है, 57, 92, 94 और 118। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। मैम न्यू बैच कब से आ रहा है? बेटा अभी से आपका 1st of August से नया बैच स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी में। इन केस अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोड मेरा याद रखिएगा आफरीन YP। इस कोड से आपको सब्सक्रिप्शन फी पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल क्या कहा, मैंने पूछा एलिमेंट जिसका जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर आखिरकार कितना है। चार ऑप्शन है, 57, 92, 94 और 118। अब यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट बताए 92 आंसर दे रहे हैं, एक्चुअली इसका आंसर है सी, दैट इज 94। भाई पहले की अगर हम बात करते हैं तो अर्लियर इट वॉज 92, यानी यूरेनियम तक जो पहले बोला जाता था कि ये लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट पहले जो बोला जाता था वो बोला जाता था यूरेनियम, और इसीलिए यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है उन्हें हम कहते थे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। पहले ऐसा माना जाता था कि यूरेनियम जो है वो सबसे ज्यादा लास्ट या सबसे आखिरी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, लेकिन अगर अब हम बात करते हैं तो अब जो लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट माना जाता है वो है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो कि 94 जिसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो प्लूटोनियम इज द करेक्ट आंसर, नॉट यूरेनियम। तो फिलहाल 94 है ना कि 92। डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े, जल्दी से बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहीं से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट आखिरकार कौन सा है। अब अगर यहीं से बेटा आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कौन सा है तो आपको क्या बताना है, सिंपल, प्लूटोनियम इज द लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, पहले यूरेनियम था लेकिन अब क्या है, प्लूटोनियम। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर स्विस कैनाल ओपेंड एंड गांधी वॉज बोर्न, यानी जिस साल गांधी जी पैदा हुए थे या स्विस कैनाल ओपन हुआ था, डैश पब्लिश्ड फर्स्ट एवर रिकॉग्निसेबल पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, उसी साल किसने अपनी सबसे पहली रिकॉग्निसेबल पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया था। चार ऑप्शन है, डोबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडेलीव और बोहर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चलिए आंसर देना स्टार्ट करें यहां पर।
फरहत बेटा, इंग्लिश में मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी वाले ही हैं। तो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी तो सब कहेंगे बेटा मैम हिंदी में एक्सप्लेन करो, हिंदी में करो तो कह रहे हो इंग्लिश में करो। चलो इसका पहले आंसर देना स्टार्ट करो कि जिस साल स्विस कैनाल ओपन हुआ था या गांधी जी बॉर्न हुए थे उस साल किसने अपना सबसे पहला पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था। चार ऑप्शन है आपका, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, मेंडेलीव इज द करेक्ट आंसर। भाई डोपर्नियर और न्यूलैंड ने भी पहले पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी थी लेकिन सबसे पहला रिकॉग्निसेबल जो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल वो पब्लिश मेंडेलीव ने किया था। बाद में इसे बोहर ने मॉडिफाई किया था और उसके बाद मॉस्ले ने भी मॉडिफाई किया था। तो बाद में बोहर और मॉस्ले ने मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया था। अब ये ईयर कौन सा था याद रखिएगा, 1869 वाज द ईयर। 1869 में ही स्विस कैनाल ओपन हुआ था और 1869 में ही गांधी जी बॉर्न हुए थे और 1869 पे ही मेंडेलीव ने अपना सबसे पहला पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था। डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहां तक समझ में आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। नॉट मेनी एलिमेंट वर नोन अर्लियर, यहाँ पर लिखा है बहुत सारे पहले एलिमेंट्स जो है पहले नहीं जाने जाते थे। हु पब्लिश्ड अ लिस्ट ऑफ 33 एलिमेंट्स बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द हैंड्स ऑफ रिबल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में लोगों के हाथों मारे जाने से पहले किसने 33 एलिमेंट्स का क्या पब्लिश किया था, 33 एलिमेंट्स की लिस्ट पब्लिश कर दी थी। चार ऑप्शन है, जोसेफ प्रिस्टली, दूसरा ऑप्शन है एंटोनी लेपोसियर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नेफारियो, चौथा ऑप्शन है लॉकनेस। इन चारों में से आपको बताना है किसने 33 एलिमेंट्स की लिस्ट पब्लिश करी थी पहले। बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 पर लोगों ने इन्हें गिलिटीन करके मार दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ए, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं बी। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज एंटोनी लेवोजियर, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये क्या है, ये बेटा फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जोसेफ प्रिस्टली की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की करी थी, ऑक्सीजन की जोसेफ प्रिस्टली ने करी थी। डॉक्टर नेफारियो जो है वो एक कार्टून का कैरेक्टर है। लॉकनेस की अगर हम बात करते हैं तो एक हाइपोथेटिकल मॉन्स्टर है, ठीक है, हाइपोथेटिकल मॉन्स्टर है लॉकनेस, और डॉक्टर नेफारियो ये जो है कार्टून है। लेकिन जोसेफ प्रिस्टली ये जो है इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी, नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटोनी लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, और इन्हीं ने 33 एलिमेंट्स की लिस्ट सबसे पहले पब्लिश करी थी। डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप 1 and 18 आर, भाई पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और 18 ग्रुप आखिरकार वो क्या क्या है, आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली एल्केली मेटल्स नोबल गैसेस, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू पिनिक्टोजेंस, देन कैल्कोजेंस टू नोबल गैसेस, एल्कली मेटल्स टू हेलोजेंस। इन चारों में से आपको ये बताना है, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, जल्दी से आंसर यहाँ पर देना स्टार्ट करिए, मैं देखना स्टार्ट करती हूँ। 1 से 18 ग्रुप 1 और ग्रुप 18 जो है वो क्या क्या है, 1 से 18 नहीं, 1 and 18 आखिरकार क्या क्या है, एल्कली मेटल्स एंड नोबल गैसेस, देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू पिनिक्टोजेंस, कैल्कोजेंस टू नोबल गैसेस, एल्कली मेटल्स टू हेलोजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या है, ऑफ कोर्स, तो इसका करेक्ट आंसर ज्यादातर, बल्कि इनफैक्ट सारे के सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसका सही आंसर है दैट इज ए, यानी एल्केली मेटल एंड नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस का मतलब क्या है, नोबल गैसेस यानी जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस इज ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शंस। अब एल्कली मेटल क्या होता है, एल्कली मेटल यानी जिसका वाटर सोल्यूशन बेटा एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन है, एल्कलाइन यानी बेसिक इन नेचर,
एल्केलाइन मींस व्हाट? बेसिक इन नेचर, यानी जिसकी पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा होनी चाहिए और इसका बिटर का या मतलब ये कड़वा टेस्ट हो, ठीक है। तो एल्कली मेटल जिसका वाटर सॉल्यूशन जो है वो हाईली एल्कलाइन है, एल्कलाइन यानी बेसिक पीएच वैल्यू मोर देन 7, बिटर इन टेस्ट। वहीं पर नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डन, इसका करेक्ट आंसर ए है, एल्कली मेटल्स एंड नोबल गैसेस। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलो भाई जल्दी जल्दी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। ऑल नॉन मेटल्स अदर देन हाइड्रोजन आर इन, सारे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को अगर छोड़ दो तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, वो कौन से ब्लॉक का हिस्सा है? चार ऑप्शन है, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए इसका। सारे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को छोड़ दो तो आखिरकार वो कौन से ब्लॉक का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हां जी, ओके, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो बी आंसर दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी पी ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। डन, तो हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन जो है छोड़ दो, सारे पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल्स जो है वो पी ब्लॉक का हिस्सा है। तो हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का हिस्सा है? ठीक है, तो हाइड्रोजन को वैसे भी उसकी ना जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पोजीशन मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब ये ना ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा कॉमन होता है, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते। तो यहाँ पर टॉप से बॉटम आने पर जो पीरियोडिक टेबल का यूजुअल ट्रेंड है आखिरकार वो क्या होता है? पहला, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा दूं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एटॉमिक रेडियस की, अगर हम बात करते हैं तो बेटा एटॉमिक रेडियस समझने के लिए सिंपल जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि न्यूक्लियस से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रेडियस है, न्यूक्लियस से सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में आयन का मतलब क्या होता है बेटा? आयन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो। आयन मींस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी यानी जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, या वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को, एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेने पर जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सिंपल होता है कि इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस या एटम का या न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, या इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस या एटम की तो न्यूक्लियस को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ये आपके लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस यानी आपका न्यूक्लियस से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है। हमेशा याद रखिएगा, जब टॉप टू बॉटम आते हैं ना, ऊपर से नीचे, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज नहीं करता बल्कि क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ट्रेंड क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग, यानी एलिमेंट का साइज क्या होता रहता है? बड़ा। टॉप से बॉटम एलिमेंट का साइज तुम्हें बढ़ा होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन या जब हम इलेक्ट्रॉन को लेने पर जो एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं होती।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम बेटा उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज करती है, ना कि इंक्रीज होती है। तो अगर हम इसमें से यूजुअल ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां से और क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसमें होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम बेटा किसमें होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। भाई यहां तक अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। ओके, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने पूछा आखिरकार मैक्सिमम किस में होता है, तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन में बेटा ये मैक्सिमम होता है, फ्लोरीन में ये मैक्सिमम होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो ये मैक्सिमम किस में होता है, क्लोरीन पर मैक्सिमम होता है। डन, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आ गया। भाई दो चीज होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, एक तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, और एक होता है बेटा आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मतलब होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है। और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता ये आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है। तो अगर यूजुअल ट्रेंड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा था, बताया था मैंने, लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो डिक्रीज करता है वो किधर से किधर की तरफ करता है, चार ऑप्शन है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, या बोथ बी एंड सी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल अमानुल, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका सही आंसर है डी, दैट इज बोथ बी एंड सी, बाय बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट। बेटा देखो, अक्सर जो लेफ्ट से राइट का ट्रेंड होता है ना, टॉप टू बॉटम का जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट टू राइट। जो टॉप से बॉटम का यूजुअल ट्रेंड होता है उसका अपोजिट चलता है लेफ्ट से राइट का ट्रेंड। तो अब लेफ्ट से राइट का जो ट्रेंड है वो सेम हो जाएगा बॉटम टू टॉप, जब टॉप टू बॉटम का अपोजिट है लेफ्ट टू राइट, टू बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट, ये दोनों चीज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया भाई। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करते जाइए और लाइक करते जाइए। बात करने का टाइम बेटा किसी दिन ना प्रॉपर मैं तुम लोगों का सिर्फ बात करने का सेशन निकालूंगी, उस दिन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटोमिक रेडियस, भाई एटोमिक रेडियस जो है लेफ्ट से राइट आखिरकार क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कॉन्स्टेंट रहता है, या देयर इज नो जनरल ट्रेंड। अभी मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, मैंने आपको क्या बताया, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ये क्या होता है, इंक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम का अपोजिट होता है लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम का अपोजिट होता है लेफ्ट टू राइट। जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
समझ में आ गया? तो बी इसका करेक्ट आंसर है, डिक्रीज नहीं मतलब इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। ठीक है, डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। कैल्कोजेंस आर, आपको बताना है कैल्कोजेंस आखिरकार इसमें से कौन सा ग्रुप है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, ए बी सी डी, कैल्कोजेंस आखिरकार कौन सा ग्रुप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अंजी, कैल्कोजेंस, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हैं मैम। बेटा क्या करूं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई कैसे कर सकती हूं, पढ़ाऊं या कमेंट का रिप्लाई करूं? और अगर सिर्फ कमेंट का रिप्लाई करती रहूंगी तो पढ़ा नहीं पाऊंगी, फिर तुम लोग में से किसी बच्चे का कमेंट आएगा, ये तो सिर्फ जो है कमेंट का रिप्लाई करती रहती है, पढ़ाती है नहीं, सिर्फ पढ़ाओ तो कहते हो कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करो, परेशान हो गई हूँ, तुम लोग को समझ नहीं आता, तुम लोग खुद ही कंफ्यूज हो कि करना क्या चाहते हो तुम लोग, है ना। चलो कैल्कोजेंस आखिरकार क्या है, ठीक है, तो कैल्कोजेंस जो है इसका मतलब होता है कॉपर प्रोड्यूसिंग। कैल्कोजेंस मींस व्हाट? कैल्कोजेंस मींस कॉपर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो कैल्कोजेंस का जो ग्रुप है बेटा वो है डी, क्या? ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलूरियम, देन पोलोनियम, ये है आपके लिए क्या, ये है कॉपर प्रोड्यूसिंग यानी कैल्कोजेंस का ग्रुप। अच्छा ये जो ग्रुप है बेटा ये है आपका 13th ग्रुप, ये है आपके लिए 14th ग्रुप, ये है आपके लिए 15th ग्रुप और ये है आपके लिए 16th ग्रुप। डन, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब भी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी मैंने क्वेश्चन ये पहले पूछा था, चार ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, तो इसके करेक्ट आंसर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एलिमेंट वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर पेन अल्टीमेट शेल इंस्टेड ऑफ आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एज। बेटा देखो तीन चीज होती है, एक तो होता है अल्टीमेट, एक होता है अल्टीमेट, दूसरा होता है पेन अल्टीमेट और तीसरा होता है बेटा एंटी अल्टीमेट, ये एंटी पेन अल्टीमेट, नॉट अल्टीमेट, एंटी पेन अल्टीमेट। तो अल्टीमेट मींस होता है लास्ट, ये इंग्लिश का वर्ड है, अल्टीमेट मींस क्या होता है, लास्ट, पेन अल्टीमेट मींस होता है सेकेंड लास्ट और एंटी पेन अल्टीमेट मींस होता है थर्ड लास्ट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा वो एलिमेंट जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड लास्ट शेल पर एंटर करे, वैसे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल पर एंटर करना चाहिए, लेकिन अगर जो है किसी एलिमेंट पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड लास्ट शेल पर एंटर करे तो आखिरकार उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, ब्रिज एलिमेंट, हैवी मेटल्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट और ट्रांसिशन मेटल्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सागर संदीप ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका सही आंसर है डी, दैट इज ट्रांसिशन मेटल, ठीक है। अब ट्रांसिशन मेटल जो है वो पूरा डी ब्लॉक होता है माइनस लास्ट ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक, देखो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं तो डी ब्लॉक के फर्स्ट 9 ग्रुप्स, ठीक है, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के फर्स्ट 9 ग्रुप ये आपके लिए क्या होते हैं, ट्रांसिशन मेटल होते हैं, लास्ट ग्रुप इसमें शामिल नहीं होता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया एलिमेंट बियॉन्ड 92, ठीक है, जो वो है वो आपके लिए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है, ठीक है। हेवी मेटल्स जो है वो ब्रिज एलिमेंट्स हैं जो कि हेवी मेटल है, जो कि सॉरी नॉट नॉट हेवी मेटल, ब्रिज एलिमेंट्स जो है बेटा वो पीरियड 2 में आता है, ब्रिज एलिमेंट क्या है, पीरियड 2 में, हैवी मेटल जो है वो डी ब्लॉक में आएगा,
ट्रांस यूरेनिक मैंने आपको बता दिया, बियॉन्ड 92 जितना है वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है, और ट्रांजिशन मेटल जो है वो डी ब्लॉक में सारे के सारे 10 ग्रुप्स होते हैं, तो पहले 9 ग्रुप्स लास्ट ग्रुप को छोड़ दो, दैट इज ट्रांजिशन मेटल. डन, ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. बेटा मैं करियर विल में अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अनअकैडमी में पढ़ा रही हूँ. मैं ना सोच रही हूँ इसका एक गाना बनाकर मैं अपने यूट्यूब में डाल दूँ. मैं इसका ना एक प्रॉपर गाना बनाकर जिसमें मैं खुद गा गा के आपको बताऊँ. गाना आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है ना भाई. हर हमेशा मैंने देखा अब तक जो है करियर विल के हर स्टूडेंट यही कमेंट करके पूछते हैं मैम करियर विल में हो नहीं हो. कितनी बार बता चुकी हूँ फिलहाल मेरा करियर विल में कोई नया बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं फिलहाल अनअकैडमी में ही पढ़ा रही हूँ बेटा. ठीक है, तो इनकेस अगर आपको पढ़ना है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, आप वहां पर मुझसे पढ़ सकते हो. सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल. चलो बताओ ट्रांजिशन मेटल आखिरकार इसमें से कौन सा है. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डी ब्लॉक का पहले 9 ग्रुप. ठीक है, यानी डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं, तो 10 ग्रुप्स में फर्स्ट 9 ग्रुप जो है, फर्स्ट 9 ग्रुप, आखिरी ग्रुप को छोड़ दो, फर्स्ट 9 ग्रुप जो है वो आपके लिए ट्रांजिशन मेटल है. तो आपको सिंपल ये बताना है कि कॉपर, जिंक, मरकरी और कैडमियम, कॉपर, जिंक, मरकरी और कैडमियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है ट्रांजिशन मेटल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है. ओके, ओके, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए. भाई 3 to 13 नहीं होता, 3 to 12 है. 3 to 12 इज द ट्रांजिशन मेटल. भाई यहाँ पर तुम जो कह रहे हो ना 3 to 13, 3 to 13 नहीं, तो 3 to 12 है ये आपके लिए ट्रांजिशन मेटल है. तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बेटा बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज कॉपर. ये जिंक, मरकरी और कैडमियम ये आखिरकार 13th ग्रुप में है, जो कि मैंने कहा ना कि एक्सक्लूड कर दो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा, तो ये तीनों उसी ग्रुप में आते हैं. कॉपर इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, डन. नेक्स्ट, थैंक यू नितिन मान, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस इन डी ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, डी ब्लॉक का जो रेडियस है लेफ्ट से राइट की तरफ आखिरकार वो क्या होगा. चार ऑप्शन है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. अब रेडियस की मैंने आपको अगर बात बताई तो टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करता है, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होगा, यूजुअली डिक्रीज करेगा. लेफ्ट टू राइट यूजुअली डिक्रीज करेगा. 13th नहीं बेटा, 12th. अभी मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर जो मैं ग्रुप बता रही हूँ वो क्या होगा, वो 3 से लेकर 12 होगा. ठीक है, ओके, तो 3 से लेकर 12th जो ग्रुप है, 3rd से लेकर 12th ग्रुप है, वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा. ये हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, मैंने शायद यहाँ पर 13th बोल दिया, बट 3rd से लेकर 12th जो है वो है ट्रांजिशन मेटल. डन, ओके, चलो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. रेडियस इन डी ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डी ब्लॉक का जो रेडियस है लेफ्ट से राइट वो आखिरकार क्या होता है. चार ऑप्शन है आपके सामने. पहला ऑप्शन है इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है आपका फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट, सॉरी, फॉर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है. हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए. ओके, तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं तो इसका सही आंसर है डी, दैट इज फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीज. यूजुअली डिक्रीज करता है, यूजुअली डिक्रीज करता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, इसका आंसर है डी, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो कलर इन कंपाउंड्स ड्यू टू. डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है बेटा वो कलर में, जो कंपाउंड, जो कलर कंपाउंड में शो करते हैं आखिरकार वो किस वजह से शो करते हैं. चार ऑप्शन है, ओबर्थ इफेक्ट, डीडी ट्रांजिशंस, एलेंस रूल और ऑफ बाउ प्रिंसिपल. इन चारों में से आपको क्या आंसर देना. ठीक है, आंसर देना स्टार्ट करो बेटा. यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कलर शो करते हैं किस वजह से. ओबर्थ इफेक्ट,
डीडी ट्रांजिशंस, एलन्स रूल और अफ बाउ प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी डीडी ट्रांजिशंस। अब यहाँ पर ओबर्ट इफेक्ट क्या होता है बेटा? ओबर्ट इफेक्ट मतलब किसी भी स्पेस प्रोब की स्पीड को इंक्रीज करना, ठीक है। प्लैनेट या स्टार की ग्रेविटी को यूज करके किसी भी स्पेस प्रोब की अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं, दैट इज ओबर्ट इफेक्ट, ठीक है। हम स्पेस प्रोब की स्पीड को इंक्रीज करते हैं फ्यूल, यूजुअली फ्यूल का यूज करके। लेकिन अगर फ्यूल का यूज ना करो और किसी प्लैनेट और स्टार की ग्रेविटी को यूज करके अगर आप स्पेस प्रोब की स्पीड को इंक्रीज करें, दैट इज ओबर्ट इफेक्ट। एलन्स रूल की अगर हम बात करते हैं तो एलन्स रूल सिंपल ये बताता है कि जो वार्म प्लेस में जो एनिमल्स होते हैं उनके कान लंबे होते हैं और जो कोल्ड प्लेस में एनिमल होते हैं उनके कान क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। अब ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या है? ऑफबाउ प्रिंसिपल जो होता है, रूल होता है एस्टिमेट करने का कि इलेक्ट्रॉन्स जो है goes in an atom, where electrons जा, कहां पर electrons atom पर जाएंगे, उसको estimate करने का rule है, वो आपके लिए क्या है? Off-bound principle है, ठीक है? Done? इतना समझ में आ गया? Okay, next question की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, next question ध्यान से देखिएगा, answer दीजिएगा। Groups of triads of elements was made by, आपको बताना है ट्रायड्स का जो ग्रुप्स है आखिरकार उसे हम क्या कहते हैं, तो या वो किसके द्वारा बनाया गया? चार ऑप्शन है, डोबर्नियर, देन केकूल, देन ड्यूमास और देन गेमेलिन। इन चारों में से आपको बताना है ट्रायड का ग्रुप आखिरकार वो किसके द्वारा बनाया गया। अब ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड आखिरकार क्या है? लॉ ऑफ ट्रायड कहता है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो वेट का एवरेज है वो सेकंड के वेट के बराबर है, ठीक है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, तो यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट ए आंसर दे रहे हैं और सब इसने यही आंसर दिया और इसका आंसर भी क्या है? ए, दैट इज डोबर्नियर। डोबर्नियर इज द करेक्ट आंसर। डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय, चलो बताओ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आखिरकार किसके द्वारा दिया गया? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है कैन कर्टवा, दूसरा ऑप्शन है मेंडेलीव, तीसरा ऑप्शन है न्यूलैंड्स और चौथा ऑप्शन है लॉथर मेयर। इन चारों में आपको सिंपल ये बताना है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आखिरकार किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए भाई, यहाँ पर जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आखिरकार किसके द्वारा दिया गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, हाँ जी, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा किसके द्वारा दिया गया? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडेलीव लेफ्ट गैप्स फॉर एलिमेंट्स विद प्रीफिक्स लाइक एका, डेवी, ट्राई एटसेट्रा पेइंग होमेज टू ग्रामेरियंस ऑफ विच लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज के ग्रामेरियंस को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो प्रीफिक्स मेंडेलीव ने एलिमेंट के लिए जो गैप लेफ्ट किया उसमें एलिमेंट्स का प्रीफिक्स एका, डेवी और ट्राई जैसे रखा, आखिरकार वो किस लैंग्वेज के ग्रामेरियंस को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, रशियन, संस्कृत, स्लेविक और जर्मन। ओके, तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बेटा बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी संस्कृत, ठीक है। और ग्रामेरियन का नाम क्या था? तो पाणिनी नाम था उनका, ठीक है, जिनको एक्चुअली श्रद्धांजलि देने के लिए मेंडेलीव ने ये प्रीफिक्स या प्रीफिक्स रखे थे। देन ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हु कन्फर्म्ड दैट proper sequence of periodic table is of nuclear charge instead of atomic weight in Mendeleev's table, किसने confirm किया कि जो proper sequence होता है ना periodic table का वो nuclear charge का होता है instead of atomic weight, यानी जब Mendeleev ने atomic weight के according table design करी उसके बाद proper sequence according to nuclear charge किसने confirm किया? चार option है,
बोहर मॉसले रदरफोर्ड और स्क्रूज मैकडक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, तो यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं ज्यादातर। इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज मॉसले। ठीक है, मोस्टली इज द करेक्ट आंसर। तो भाई उम्मीद करती हूँ आज का सेशन तुम लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं हर सैटरडे संडे आप लोग के लिए क्लासेस लेकर आऊंगी, नेक्स्ट सैटरडे संडे भी आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगी। और टॉपिक्स क्या होंगे वो चैनल पर जैसे ही मैं इवेंट लगाऊंगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर एक बार मैं आपको अपने अनअकैडमी के बैच के बारे में बता दूं। मेरा अनअकैडमी का बैच जो है 1st of August से स्टार्ट हो रहा है, 1st of August से स्टार्ट हो रहा है मेरा बैच। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का एमसीक्यू का बैच है। इसी महीने बेटा 14th से स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच, और इसी महीने के लास्ट में बेटा इकोनॉमिक्स का थ्योरी बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ये तीनों बैचेस मेरे लगातार अगले महीने स्टार्ट हो रहे हैं, ये थ्योरी बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए बेटा आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड मेरा याद रखिएगा, दो कोड है, कोई भी इस्तेमाल करो। सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक कोड है आफरीन YP, दूसरा कोड है आफरीन 111। कोई भी कोड इस्तेमाल कर लो, सब्सक्रिप्शन फी पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझसे वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करें। ओके, आज की क्लास बेटा हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बेटा करियर विल में मेरा कब बैच आएगा? ठीक है, नया बैच आएगा, मैंने बताया ना। करियर विल में मेरा नया बैच नहीं आ रहा अभी, अन अकेडमी में मेरा नया बैच आ रहा है। ठीक है, अन अकेडमी में मेरा नया बैच आ रहा है, करियर विल में नया बैच नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिएगा। सैटरडे संडे आपका शेड्यूल रहेगा, और सैटरडे संडे में आप सबके लिए क्लासेस लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।